किया था जो मैंने आपको सरल वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो डाइट के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, और इन्फॉर्मेशन मिस हुई कुछ भी डाइट का मामला है तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, पपी की ग्रोथ भी रुक सकती है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वफादार डॉग्स में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ, जी हाँ, सेकंड डाइट के ऊपर। फर्स्ट डाइट में आपसे शेयर कर चुका हूँ कल्चर पॉम की, अगर आपने फर्स्ट डाइट वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे आइकन बटन पे जाइए जो मैंने ऊपर शो कर रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, आप उसको खोल के देख सकते हैं, पपी की फर्स्ट डाइट आफ्टर मदर फीड। और आज मैं लेके आया हूँ पपी की सेकंड डाइट, हम आगे डाइट को कैसे बढ़ाएं और पपी की हेल्थ को भी आगे कैसे ग्रो करें। तो आज मैं फूड लेके आया हूँ, दो फूड लेके आया हूँ आपके लिए। ये सेरेलैक तो आपने देख ही चुके होंगे आप, जो फर्स्ट डाइट में हमने दिया था सेरेलैक। और मैं लेके आया हूँ रॉयल कैनिन का फूड, जो है मिनी स्टार्टर। देखिए ये मिनी स्टार्टर है, और ये रहता है एडल्ट वेट अप टू 10 kg, जो एडल्ट हो जाते हैं इनका वेट 10 kg तक रहता है, चाहे कोई सी ब्रीड हो, तो ये फूड रिकमेंडेशन रहता है उनके लिए मिनी स्टार्टर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने हफ्ता दिन आपने सरलेक खिलाया बच्चे का, तो अब बारी आ गई है रॉयल कैनिन फूड खिलाने की भी। तो ये फूड काफ़ी अच्छा रहता है, ग्रोथ इससे पपी की काफ़ी अच्छी होती है, और ये हमारा फूड आता है साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट होकर, आप देख सकते हैं, देखिए साउथ अफ्रीका, और बहुत ही बेस्ट फूड है मार्केट में, ये काफ़ी टॉप ब्रांड्स में आता है ये फूड रॉयल कैनिन मिनी स्टार्टर। और मिनी स्टार्टर उन्हीं के लिए होता है जो बच्चे अभी क्या कहते हैं फर्स्ट डाइट या जैसे हमने आपको फर्स्ट डाइट बताई, उसके बाद ये सॉलिड डाइट थोड़ी ऐड करनी पड़ती है हमें। देखिए आप, इसको हमने खोल के आपको दिखाया कि देखिए आप पपी की भी बात सुन रहे हैं, थोड़ा भूखा है हमारा बच्चा, तो बच्चा भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए क्या एक्टिव हो रहा है बच्चा, कितना एक्टिव हो रहा है खाने के लिए। तो ये फूड है, ये देखिए अंदर से कैसा निकला फूड, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्वांटिटी रखनी है आपने। शुरू में क्वांटिटी रखनी है बहुत ही कम, थोड़ा सा हमने पानी लिया, आप देख सकते हैं ये बस इतने से दाने हमने ऐड करे, तो ये काफ़ी दाने हो जाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा बॉयल करेंगे दानों को, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, पानी आई थिंक थोड़ा सा कम है इसमें, तो मैं पानी लेता हूँ। तो पानी ऐड कर दिया ताकि ये आपके जो दाने हैं फूड के ये थोड़े भीग जाएं, कि इनको उबलने में थोड़ी आसानी हो। तो ये रॉयल कैनिन फूड है और सेरेलैक व्हीट फ्लेवर, तो इसको लगेगा 1-2 मिनट लगेंगे दाने को फूलने में, अभी तो हार्ड है, तो ये हार्ड दाने आपने देने नहीं है, थोड़ा इसको उबाल लेना है। या आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे आपने दाने देने हैं आपको उबालने की जरूरत ना पड़े, तो आप इसको पहले भिगो के रख दीजिए 1 घंटा पहले, जैसे आपको आपको पता है बच्चे को आपने डाइट देनी है, तो आप इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दीजिए दानों को। बेटे उधर मत चला जाइए, गरम गरम लग जाएगा, तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं। हाँ, ओ मेरा बच्चा, ओए 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 ओए, ओ हाँ, भूख लगी मेरे बच्चे को। देख सकते हैं हमारे जो दाने हैं सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, और अब हम इस बार लेंगे 1/2 स्पून ऑफ सेरेलैक, और जितने दाने हैं हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, हमने पपी को इतना गाढ़ा पेस्ट भी नहीं देना ताकि उसको खाने में थोड़ी दिक्कत आए, सटकने में दिक्कत आए पपी को। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो चलिए हम उसको फीड करते हैं पपी की सेकेंड डाइट, और डाइट आपने देनी है दिन में 4 बार, एटलीस्ट 3-4 बार आप डाइट दे सकते हैं। आज अबे तू थोड़ी आ रहा है, तू थोड़ी फर्स्ट सेकंड डाइट लेगा, हैं हैं गंदे बच्चे। हेलो कर, अब बेटे ये हमारा मिस्टर जेडी है, तो ये ध्यान रखता है हमारे बच्चों का बिल्कुल, है ना बेटा। आओ मेरा बच्चा, चल पीछे होके बैठो, चलो सेट, हाँ ठीक है। तो हमारा कल्चर पॉम आ गया, और ये डाइट के लिए रेडी है। देखिए कितना प्यारा बच्चा है, और खाने के बाद जा रहे हैं, उसको पीछे कर रहा हूँ,
जानूच के ताकि थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाए खाने के लिए। हाँ बच्चे खाल खाल खाल। तो देखिए सेकंड डाइट ले रहा पपी। तो दोस्तों अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों तक हमारी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आती रहे। और अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करेंगे तो हम अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो अब इस पपी का, जैसे इस पपी ने खाना खाया है तो आप इसके ना टिश्यू पेपर भी रखिए, तो ताकि आप जो इसका खाना लगा हुआ है तो उसको क्लीन भी करना पड़ता है, नहीं तो ये खाना चिपका रह जाएगा इसके फेस पर और थोड़ा फिर गंदा लगेगा, मैला हो जाएगा बच्चा, तो इसकी केयरिंग करने की ज़रूरत होती है बहुत। तो मैं सारी वीडियो अपडेट करूँगा आपको कि पपी की केयरिंग वेयरिंग कैसे करनी होती है। तो आज की वीडियो खाने के ऊपर थी, डाइट के ऊपर थी। तो आप हमें सजेस्ट करिए कि आप क्या क्या वीडियो हमसे मतलब चाहते हैं कि हम उन वीडियो को बनाएं आपके लिए, कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आए। तो आज की इन्फॉर्मेशन डाइट के ऊपर थी। फर्स्ट डाइट मैंने आपको बताई थी कि कैसे देना है, वो चलेगी आपकी हफ्ता, और हफ्ते के बाद चलेगी ये वाली डाइट, और ये डाइट चलेगी आपकी अराउंड हफ्ता, ये भी डाइट चलेगी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अब आने वाली है। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो डाइट के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। और इन्फॉर्मेशन मिस हुई, कुछ भी डाइट का मामला है तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, पपी की ग्रोथ भी रुक सकती है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और जो सबसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमने सेरेलैक लिया था, जो मैंने आपको सेरेलैक बताया और ये अभी आज रॉयल कैनन हमने ऐड किया था सेकंड डाइट में, आपको इसको हफ्ता चलाना है। उसके बाद आपने सेरेलैक धीरे धीरे बंद कर देना है। मतलब जैसे हमने आज एक स्पून लिया था, तो स्पून को आप एक स्पून लिया था आज, अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आफ्टर वन वीक आप एक स्पून को एक लिया ना, तो आप करेंगे पौना चम्मच के बाद करेंगे आप आधे चम्मच पे ले आएंगे आप सेरेलैक, फिर धीरे धीरे 25% सेरेलैक और रॉयल कैनन फूड हमने ऐड करना है, वो रॉयल कैनन फूड हम बढ़ाते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमने सेरेलैक बंद कर देना है आने वाले एक हफ्ते में। और एक हफ्ता तो हमने इसको रॉयल कैनन दिया और सेरेलैक के साथ, उसके बाद सेरेलैक आपने बंद करते जाना है। और सेरेलैक बंद करने के बाद आपने रॉयल कैनन फूड को आप थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप सेरेलैक कम करेंगे रॉयल कैनन फूड को आप बढ़ाते जाएंगे क्वांटिटी में। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा, आप दिन में जैसे दोपहर है, अच्छी धूप निकली हुई है, तो आप सिर्फ जैसे सुबह के डाइट में आपने रॉयल कैनन दिया, और दिन में आप बच्चे को दही ऐड कर सकते हैं, कर्ड। और कर्ड देने का ये फ़ायदा होता है, कर्ड में होते हैं गुड बैक्टीरिया। से क्या होता है, स्टमक जो होता है पपीज़ का वो काफ़ी अच्छा हेल्दी बना रहता है और डाइजेशन का अच्छा रहता है, गर्मियों में भी बहुत काम आती है कर्ड। कर्ड तो आप बिल्कुल ऐड करके रखिए, आप एक टाइम कर्ड जरूर खिलाए पपी को दोपहर में, और मौसम देख के अगर कर्ड खिलाएं, और ठंडी दही ना हो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो बिल्कुल फ्रिज से निकली हुई कर्ड आप ना दीजिए पपी को, कर्ड को आप थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। अगर आपकी कर्ड बहुत ही हैवी है, ठीक है, तो आप हल्का सा उसमें एक दो चम्मच पानी मिला सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन दिनों आपने पपी को भी, जब आपका पपी आता है तो अभी आपको पानी नहीं पिलाना, क्योंकि पानी क्या होता है पपी की डाइट में ही ऐड होता है, जैसे हमने करा था, तो उसमें उसकी फुलफिलमेंट पूरी होती है पानी की। और धीरे धीरे आप पपी को एक हफ्ते बाद जैसे आप पानी भी पिलाने लग जाए, थोड़ा पानी भी दीजिए पपी को। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है डाइट के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी समझ ना आई हो डाइट, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं, जैसे ही हमारे को टाइम मिलेगा हम आपका उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी पपी चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, और इनफैक्ट कल्चर पॉम चाहते हैं आप, कोई भी टॉय पॉम चाहते हैं, तो आप हमारे DOA नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट का टाइमिंग रहेगा सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक, और इनकेस हम आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाते तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज लीव करिए। और एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए बहुत ही ज्ञान वाली इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप माइंड में रखिए। जैसे पपी होते हैं, जो कल्चर होते हैं, ये फरी बच्चे बहुत होते हैं, और फरी बच्चे होने के कारण इनका जो ये पोटी एरिया होता है, यहाँ पे भी बाल बहुत होते हैं, आप देख सकते हैं,
तो आप इसको भी क्लीन करिए। कई बार क्या होता है, कई बंदे इसको ध्यान में रखते, जैसे हमने पॉटी एरिया क्लीन करा हुआ है तो पॉटी जैसे सही ढंग से पास हो जाती है पपी की। तो अगर आपने पॉटी एरिया इसका क्लीन नहीं करा हुआ, बाल नहीं कटवाए हुए पॉटी एरिया से, तो पॉटी क्या करेगी, वहाँ पर चिपक जाएगी, क्योंकि उसको बिल्कुल क्लीन पाथ नहीं मिलेगा पास आउट होने के लिए। तो आप मेक श्योर आप इसका पॉटी एरिया भी क्लीन करके रखिए। तो ये थी आज की टिप्स। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो कर दो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय। और फ्रेंड्स, आपको एक टिप और देना चाहूँगा जो बहुत ही यूज़फुल है आपकी पपी की हेल्थ के ऊपर। और जैसे खाना तो हमने खिला दिया, पास आउट भी करेगा खाना, तो क्या होता है ये फरी बच्चे होते हैं बहुत, तो आप देख सकते हैं बहुत ही फरी बच्चे होते हैं। तो फरी बच्चा होने के कारण इनके जो पॉटी एरिया में भी बाल काफ़ी ग्रोथ हो जाती है। तो आप उसको क्लीन करके रखिए, उन बालों को कटवा के रखिए, ताकि इनका पॉटी जो है वो ईज़िली पास आउट हो जाए। तो अगर पॉटी एरिया क्लीन नहीं होगा, वहाँ पर बाल बहुत ज़्यादा होंगे, तो पोटी वहाँ जा बालों में चिपक जाएगी और उससे इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहते हैं। तो अपने बच्चे का पोटी एरिया भी क्लीन करके रखिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़फुल लगी हो, तो कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ जी आपकी वीडियो यूज़फुल थी। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आप लोगों तक ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहे। और ये डाइट पपी की चलेगी अराउंड 3 मंथ्स। हाँ जी, ये पपी जब तक 3 मंथ्स का नहीं होता तो ये रॉयल गार्डन मिनी स्टार्टर चलेगा। तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा कि इस पपी को अब क्या डाइट में ऐड करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, वफादार डॉग्स चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।